नमस्कार, मध्य प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। करैरा में पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह ने अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन परिवहन और अवैध रेत की धरपकड़ अभियान को लेकर अभियान चलाया, जिसके तहत पूरे इलाके में रात के समय गश्त की जा रही है। बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक कार को रोककर उसकी चेकिंग की। कार की चेकिंग के दौरान 15 प्लास्टिक के कैनों में 750 लीटर अवैध शराब भरी पाई गई। साथ ही कार से जब्त किए गए सामान की कुल कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कार में सवार सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। रात्रि को 2 बजे गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक क्रूजर गाड़ी में सत्येंद्र यादव जो कालीपाड़ी का रहने वाला है तथा भरत सिंह सिकरवाल जो ग्वालियर का रहने वाला है, कालीपाड़ी का जो लड़का है वो भी ग्वालियर रहता है, वो दोनों क्रूजर गाड़ी से अवैध रूप से ओपी शराब लेकर करनाटक आने वाले हैं। उक्त सूचना पर से सिलारपुर त्राय पर दबिश दी गई, इंतजार किया तो कुछ थोड़ी देर बाद एक गाड़ी क्रूजर गाड़ी आई थी जिसको रोका गया। उसके अंदर 15 कैन शराब की ओपी शराब भरी हुई थी। वहीं सिंगरौली पुलिस ने 105 मोबाइल फोनों को ढूंढने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि ये फोन पिछले 3 सालों में गुम हुए थे, जिनकी कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस अधीक्षक मोहम्मद यूसुफ कुरैशी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल वापस कर दिए गए हैं। मोबाइल वापस लेकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। सभी ने सिंगरौली पुलिस का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान साइबर संबंधित अपराध वाले में भी सुझाव देते हुए साइबर सुरक्षा और जागरूकता से संबंधित पर्चे भी लोगों को दिए गए। तो पुलिस ने खोए हुए मोबाइलों को लोगों को वापस किया है, जिसके बाद लोगों के चेहरों में खुशी देखने को मिली है। आपको बता दें कि लगभग 14 लाख की लागत के मोबाइल फोन थे, जिन्हें पुलिस ने ढूंढ निकाला और मोबाइल मालिकों को वापस किया। इसमें विगत 3 वर्षों में कल मैं यहाँ साइबर सेल में जो मोबाइल गुम हो जाते हैं, तो वो गुम मोबाइल की एक अलग से एक सेल है, तो वो इसमें हम लोग IMEI नंबर और अलग मोबाइल फॉरेंसिक के माध्यम से जो है इन मोबाइलों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसी डाटा में विगत 3 वर्षों में गुम हुए लगभग 105 लोगों के मोबाइलों को पुलिस ने जो है बरामद करके जो उनको स्थानांतरित किया है, इनकी कुल कीमत लगभग 14 लाख। वहीं मध्य प्रदेश के कराह जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पनबाड़ा में ग्राम पंचायत सरपंच ने नियमों को ताक पर रखकर अनुपयोगी जगह पर नवीन रपटे का निर्माण कार्य शुरू किया। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच की ओर से सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, जिस बाजरा बस्ती में सामने वाले रास्ते पर लाखों रुपए की लागत से नवीन रपटे का निर्माण किया जा रहा है। नवीन रपटे की आवश्यकता इस जगह पर नहीं है। रपटे के पास निवास करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत पनबाड़ा के द्वारा जिस जगह पर रपटा बनाया जा रहा है वहां पर पानी का भराव नहीं होता है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने युवती को गोली मारी है। बड़ी जानकारी जहां पर बीजेपी युवा नेता के ऑफिस में यह घटना हुई है।
जिसके बाद युवती को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चले कि गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है और युवा मोर्चा नेता के ऑफिस में गोली चली है। गोली लगने से युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर जहां पर अज्ञात कारणों के चलते युवती पर हमला किया है, वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जहां पर युवती पर गोली चली है और जिसके बाद जबलपुर की पूरी घटना, जहां पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। अज्ञात हमलावरों ने युवती को गोली से मारकर फरार हो गए। वहीं खरगोन जिले के भगवानपुरा में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी को लेकर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 11 अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 2,60,000 रुपए कीमत के 11 देसी पिस्टल और कट्टे पुलिस ने जब्त किए हैं। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी प्रहलाद सिंह पर राजस्थान के जयपुर के एसओजी में प्रकरण दर्ज है। राजस्थान पुलिस ने फरारी वारंट जारी रखा है। देखिए, इसमें जो आरोपी पकड़ा गया है ये जयपुर राजस्थान से फरार है। राजस्थान की एसओजी पुलिस के द्वारा इसमें वारंट जारी किया हुआ है। इसकी काफ़ी लंबे समय से तलाश थी और भगवानपुरा थाना प्रभारी को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये अवैध हथियारों के साथ उस क्षेत्र में मूवमेंट कर रहा है, तो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर इसको ट्रैप किया गया और इसको हिरासत में लिया गया है। ये मोटरसाइकिल से अवैध पिस्टल और कट्टे के साथ मूवमेंट कर रहा था। तो जो टोटल सीजर हुआ है इसमें 11 अवैध हथियार से जब्त हुए हैं। ये इंटर स्टेट क्रिमिनल है और ये अवैध हथियार बना के सप्लाई करता है। पूर्व में जब जयपुर में इसकी गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद से ये फरार हो गया था, इसमें वारंट जारी किया हुआ था। इसकी गिरफ्तारी के बाद इंटरोगेशन करेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी इंटर स्टेट लिंकेजेस निकल के सामने आएंगे। देखिए, सिगनूर जो एरिया है पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें जो सिकलीगर कम्युनिटी के लोग हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार और मंदसौर, नीमच और जावरा संसदीय क्षेत्र को 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस विशिष्ट कार्यालय में भारत सरकार ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है, जिसे लेकर शुक्रवार को नीमच शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने केंद्र सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के एक थानेदार का गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में थानेदार विस्थापित ग्रामीणों को समझाइश देने के बजाय उन्हें गालियां दे रहा है। दरअसल जिले के लंगाडोल थाना क्षेत्र के डोंगरी गांव में एपीएमडीसी कंपनी के विस्थापित ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर चक्काजाम करते हुए कोल परिवहन करने वाले वाहनों को रोक दिया था, जिसके बाद थानेदार सुरेंद्र यादव दलबल के साथ डोंगरी गांव में पहुंचे। यहां थानेदार ग्रामीणों को समझाने की बजाय गाली गलौज पर उतर आए। वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजगढ़ की, जहां पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद, एसडीओपी सारंगपुर सुश्री जोयेश दास के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी को मुखबिर से जानकारी मिली कि एक युवक अपने घर के बगल के खेत में अवैध रूप से गांजे के पौधे को उगाया हुआ है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया है।
सिंह मुखिल द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बरनावत गांव में राधे श्याम भील अपने मकान के सामने बाथरूम के पास गांजे के पैक लगाए हुआ है। इस सूचना पर टीम गठित कर उप निरीक्षक राजपूत को मैं टीम के रवाना किया गया था, जिससे आरोपी राधे श्याम के घर के पास बाथरूम के पीछे 11 पेड़ गांजे के जब्त किए रह गए। वहीं थाना क्षेत्र बजाग में आज सुबह 9 बजे पंडारिया डोंकरी में ठेकेदार के ठिकाने पर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। बता दें कि पुलिस ने दबिश के दौरान 4 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, जिसके बाद ठिकाने पर छापेमारी की गई। वहीं आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाए गए हैं। तो ग्रामीणों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है। ठेकेदार के ठिकाने पर छापेमारी की गई, लेकिन न कार्रवाई न करने के ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाए गए हैं। ग्राम पड़रिया में अवैध रूप से शराब रखा हुआ है। सूचना तस्दीक है तो थाना से टीम गई, तो वहाँ पर अवधेश पिता बालचंद यादव निवासी पटरिया स्थायी निवासी औरंगाबाद बिहार का है, जिसके कब्जे से 36 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 18 है। इंदौर की विजयनगर थाना पुलिस ने तनिष्क शोरूम में काम करने वाले नौकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नौकरी करने के दौरान शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद फरार हो गया था। दरअसल इंदौर की विजयनगर पुलिस ने तनिष्क शोरूम में लाखों रुपए की चोरी करने वाले नौकर को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी आशीष जाधव ने बताया कि उसने आर्थिक परेशानी के कारण शोरूम से धीरे धीरे कर 7 सोने के आइटम चुराए और उसकी जगह नकली ज्वेलरी के आइटम रख दिए। आरोपी लगभग 1.5 माह तक धीरे धीरे सोने के आइटम चुरा कर उसके बदले में नकली ज्वेलरी के आइटम रख देता था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ कुछ माल तो पुलिस ने आरोपी से बरामद कर लिया है, लेकिन कुछ माल आरोपी बेच चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि ज्वेलरी शोरूम का कर्मचारी था और उसने ज्वेलरी को बदल लिया था। तनिष्क शोरूम में काम करता था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका शोरूम है, उसमें एक चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें आरोपी है आशीष जाधव। इसके द्वारा लगभग 1.5 महीने में 7 आइटम वहाँ से चोरी किए गए थे और उनकी जगह बेंटेक्स के जो नकली आइटम थे वो रख दिए थे, तो शोरूम वाले भी उस बात को समझ नहीं पाए। इस कारण से लंबे समय तक वो 7 आइटमों की चोरी करी, जो 4 लाख की लगभग चोरी थी। हम लोगों ने उसमें आरोपी की तलाश करी थी, CCTV फुटेज वगैरह चेक किए थे। CCTV फुटेज के आधार पर चिन्हित हो गया था कि आरोपी ने अभी तक बड़े बड़े शहरों में युवा सोशल मीडिया पर गेम के टास्क करने के नाम पर ऑनलाइन ठगी का शिकार होते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया पर टास्क ग्रुपों ने ग्रामीण इलाकों पर भी पैर पसारने शुरू कर लिए हैं और युवाओं को भी लाखों की ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। मामला इंदौर का है, जहां पर गुड बाजार में एक मध्यम वर्गीय परिवार का 22 वर्षीय बेटा 4 दिनों पहले टेलीग्राम के टास्क ग्रुप 13C से जुड़ा था।
ग्रुप में पैसा डबल करने के स्कीम से वह प्रभावित हुआ और ग्रुप के एक सदस्य को पैसा ट्रांसफर करता था। मृतक के परिजनों ने बताया कि यश के मोबाइल में उसने फांसी लगाते हुए वीडियो बनाया हुआ था जिसमें वो कह रहा था कि अब मैं मरने जा रहा हूं, मेरे पैसे रिफंड करो। उसके बाद जब उसका मोबाइल खंगाला गया तो मालूम हुआ कि वह टेलीग्राम के टास्क 13 ग्रुप से जुड़ा हुआ था जिसमें ग्रुप सदस्यों ने उसे टास्क कराए और उसके पैसे अकाउंट में डलवा कर डबल करने का उससे झांसा दिया। युवक ने 1,30,000 रुपए की उससे ठगी हुई थी। वहीं पैसे रिटर्न नहीं देने पर युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो इंदौर का ये पूरा मामला है जहां पर ठगी का शिकार बनने की वजह से युवक ने सुसाइड कर लिया है। टेलीग्राम ग्रुप पर ठगी का शिकार बना था युवक, जिसके बाद परेशान होकर क्योंकि उसका पैसा वापस नहीं किया जा रहा था, इस वजह से युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये यश नामदेव टास्क ग्रुप में 12 तारीख से जुड़ा था। शुरू में इसको लालच दिया गया, 100 रुपये डालते तो उधर से 200 रुपये डाल देते और ये सिलसिला 5,000 रुपये तक चला। 5,000 रुपये डाले तो उनने 6,000-7,000 ऐसे डालते थे, पेमेंट ज़्यादा डालते। इसके बाद फिर उन्होंने ज़्यादा पेमेंट डलवाना शुरू किया और पेमेंट रिफंड नहीं करने लगे। आखिरी में इसने 1,30,000 रुपये डाल चुका था ये, और सामने वाले टास्क ग्रुप वाले 2-2.5 लाख रुपए तक की डिमांड कर रहे थे तो इसके पास पेमेंट नहीं होने के कारण ये पेमेंट डाल नहीं पाया और आखिरी में इतना बड़ा इसने कदम उठा लिया। थाने पे 2 बजे करीबन सूचना मिली थी। यश पिता चिमन नामदेव नाम का लड़का फांसी लगा दी। मैंने तस्दीक के लिए ASI डावर साहब को भेजा था, उनके द्वारा मुझे सूचना मिली है। 11 तारीख से कुछ मोबाइल पे गेम खेल रहा था या कौन सा ऑनलाइन टास्क था ये तो समझ में नहीं आया। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए शहर के एक ही थाना क्षेत्र में 2 जगह कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लाखों रुपए से अधिक ब्राउन शुगर जब्त की है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दूसरी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत हमने लगातार मादक पदार्थों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो है 2 लोगों को पकड़ा गया है अलग अलग कार्रवाइयों में, अमन बुंदेला और कान्हा यादव नाम के 2 लोगों को पकड़ा गया। इनसे कुल मिला के लगभग 70 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपये होगी। ये लोग लगातार जो है ड्रग्स की स्मगलिंग में, उसके विक्रय में, उसको बेचने में लगातार उसमें सक्रिय है। इंदौर क्राइम ब्रांच को भागलपुर जिले से अंकित ने शिकायत करते हुए बताया कि उसके साथ हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर 50,000 रुपए की ठगी की गई है। इसी तरह की एक शिकायत राजस्थान से भी की गई थी, उसके साथ भी डीलरशिप के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी हुई है। शिकायत के बाद जब मामले में जांच करते हुए एक व्यक्ति पुलिस की धरपकड़ में आया जो कि अलग अलग नामों की फर्जी कंपनियां बनाकर ठगी करता था, तब तक आरोपी ने लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया था।
हमको भागलपुर जिले से अंकित कुमार नाम के व्यक्ति ने शिकायत करी थी कि उसे हर्बल प्रोडक्ट्स डीलरशिप के नाम पर उससे 50,000 रुपये ले लिए गए थे। इसी तरह करौली जिला राजस्थान से हमको एक व्यक्ति ने शिकायत करी थी कि उससे हर्बल प्रोडक्ट्स की डीलरशिप के नाम पर उससे करीब 1.5 लाख रुपये ले लिए गए। इस तरह की काफ़ी शिकायतें प्राप्त हुई थी, इस पर विवेचना करते हुए वहीं 31 मई को इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में कुछ बदमाशों द्वारा इलाके में पिस्टल लहराकर व्यापारी के साथ मारपीट की गई, जहां पर पुलिस द्वारा तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और तीनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर आरोपी वीडियो में साफ तौर पर मारपीट करते हुए और इलाके में खौफ फैलाते हुए दिखाई दिए थे। वहीं पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया कि 31 मई को खजराना थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर शहनवाज खान वसीम और समीर लोधी ने एक व्यापारी से मारपीट करते हुए और पिस्टल लहराते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में व्यापारियों में खौफ फैला हुआ था, जहां पुलिस ने तीनों ही आरोपियों के वीडियो के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मई को आरोपी जो है सोनू उर्फ समीर लोधी, शाहनवाज और वसीम, इन लोगों ने यहाँ का जो खजराना का एक मार्केट है वहाँ पर व्यापारी को धमकाया था और उससे अवैध वसूली की मांग की थी। इस तरह से उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें वो रिवॉल्वर लहरा रहे थे। हम लोग ने धारा 327 और 323, 294, 506, 34 में अपराध पंजीबद्ध किया था और हम लगातार उनकी तलाश कर रहे थे। आरोपी फरार थे पुलिस के डर से और आज उनको गिरफ्तार किया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।